पढ़ाई के लिए पैसा न होने पर बने अपराधी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के पाकबड़ा पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। यह दोनों लोगों के घर दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम देते थे और पिछले दिनों पाकबड़ा ग्राम बारीपुर में रहने वाले चमन सिंह पुत्र जयपाल सिंह के मकान में अज्ञात चोरों के द्वारा नकदी ज्वेलरी लेकर फरार हो गए थे, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस तलाश में जुट गई, जिससे आज पुलिस को सफलता हाथ लगी है। दोनों चोरों को गिरफ्तार किया है। पाकबड़ा पुलिस को तब सफलता हाथ लगी जब दो शातिर चोरों को पुलिस ने अरेस्ट किया। यह दोनों चोर लोगों की दुकान और घर को निशाना बनाते थे और उनका सारा सामान चुरा लेते थे और यह दोनों चोर अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए ही चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने श्वेत पुत्र शरीफ अहमद निवासी थाना कुंदर की, अनस पुत्र अहमद थाना कुंदर की को मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, आरी ब्लेड, लोहा, सिक्के, अंगूठी, चेन, एक अदद तमंचा, 12 बोर, एक जिंदा कारतूस 12 के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। दोनों अभियुक्तों का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड भी निकाला जा रहा है। इन दोनों अभियुक्तों का एक साथी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। क्षेत्र अंतर्गत में 27/6 और 12/7 में दो कुंबल लगाकर घटनाएं हुई थी, जिसमें 27/6 को एक मकान में बारीपुर ग्राम में उनके घर से सोने और चांदी के आभूषण गायब हुए थे और 12/7 में जो हिना मार्केट है कस्बा पाकबाड़ा में, वहाँ की मोबाइल की दुकान से कुंबल लगा के चोरी हुई थी। उस प्रकरण में आज दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। शुएब और अनस दोनों ही कुंदर की थाना के रहने वाले हैं, 18-20 के साल के रहने वाले उम्र के हैं ये। इनके पास से कुल 7 मोबाइल सैमसंग कंपनी के, 2 मोबाइल चार्जर, 2 आरी ब्लेड लोहे की, साथ ही 2 सिक्के चांदी के, 2 अंगूठी, 2 लॉन्ग मिली है, 1 ओम का पेंडेंट, 1 गले की चेन और 1 संबल और 1 हथौड़ा, जिससे ये घटना कारित करते थे। इनका जो एक साथी है इंतशाब, जो सैफनी थाना जनपद रामपुर का रहने वाला है, इसमें फरार है। इसमें थाना पाकबाड़े ने बड़ा सराहनीय कार्य करते हुए इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और जो इस समय फरार है उसकी भी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। इतिहास क्या है? इनका भी अपराधी नए उम्र के लड़के हैं। इन्होंने जो अभी बताया कि इंतशाब जो है, इन्होंने दोनों को बुलाया था इस घटना को पारित करने के लिए। अभी इनका और जो अन्य अपराधी के इतिहास है इसके बारे में जानकारी की जा रही है और तथ्यों के आधार पर मुझे काबिल सर माना जाए कि अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए। हाँ, जो इन्होंने बताया कि जो एक जो इंतशाब था, जो जिसने इसको ये बताया कि तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हें पैसे और मोबाइल फ़ोन और ये सब मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँगा, इसी के चलते ये इन दोनों व्यक्ति इंतशाब के साथ मिलकर ये कार्य घटनाकारी करते हैं। इसमें जो शुएब जो है ये अभी भी बता रहा है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और दूसरा जो अनस है वो 8वीं क्लास पास है और अभी गाड़ी चलाने का काम है। मतलब पैसे के बहकाव में आ गई काम। हाँ, जो नए उम्र के लड़के हैं और जो इनको लालच दिया गया कि तुम्हें मोबाइल और पैसे की पूर्ति मैं करूँगा, उसके साथ इन दो लड़के और इंतशाब इन लोगों ने मिलकर ये सारी कार्रवाई करी। इसमें जो इंतशाब है, जो रामपुर का रहने वाला है, इस समय फरार है, जिसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर। इनके पास से 7 मोबाइल फ़ोन, 2 मोबाइल चार्जर, 2 आरी ब्लेड लोहे की, साथ ही 2 चांदी के सिक्के, अंगूठी, लॉन्ग जो पीली धातु है, ओम का जो पेंडेंट है, गले की चेन सोने की, साथ ही 1 तमंचा 12 बोर और 1 जिंदा कारतूस 12 बोर इन सबके पास से बरामद किया गया है। और जो घटना में जो कुंबल लगाने के लिए हथौड़ा और संबल प्रयोग करते थे वो भी इनके पास से बरामद किया गया। पारिवारिक हिस्ट्री कैसी इन लोगों की, इनके परिवार में कुछ इस तरीके को? अभी बाकी सब इनके बारे में जानकारी की जा रही है, जो भी विवेचना में है तो उस पर चीज़ करना।